आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर को याद करते हैं, जिनका जन्म 29 नवंबर 1869 को हुआ था। ठक्कर बापा के नाम से लोकप्रिय अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर ने भारत के कई राज्यों में तथाकथित निम्न जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए अपने जीवन के 35 से अधिक वर्ष समर्पित कर दिए। बापा का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था। उन्होंने पोरबंदर, युगांडा, बॉम्बे नगरपालिका में एक इंजीनियर के रूप में और तत्कालीन सांगली राज्य के मुख्य अभियंता के रूप में भी काम किया। कुर्ला के बॉम्बे उपनगर में काम करते हुए बापा तथा कथित निम्न जातियों की दयनीय स्थिति से विचलित हुए। शोषित वर्ग मिशन के सदस्य रामाजी शिंदे की मदद से उन्होंने कुर्ला में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। '1914 में वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनका परिचय महात्मा गांधी से कराया और उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। 1920 में बापा ने ओडिशा का दौरा किया और अकाल के दौरान राहत कार्य भी किया। 1923 में उन्होंने आदिवासी उत्थान के लिए प्रयासों के तहत भील सेवा मंडल की स्थापना की। वे 1926 में भावनगर राज्य विषय सम्मेलन के अध्यक्ष बने और 1928 में उन्होंने काठियावाड़ स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ठक्कर बापा को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 40 दिनों के बाद ही रिहा कर दिया गया। वे हरिजन सेवक संघ के सचिव थे और उन्होंने 1944 में गोंड सेवक संघ की स्थापना की। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर वनवासी सेवा मंडल कर दिया गया। ठक्कर बापा को संविधान सभा की एक उप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने 1950 में ट्राइब्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। ठक्कर बापा सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे और अस्पृश्यता के उन्मूलन की भी हिमायत करते थे। उन्होंने हर जगह इन मिशनों को लेकर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि उनकी महत्वाकांक्षा ठक्कर बापा के निस्वार्थ सेवा के रिकॉर्ड की बराबरी करने की थी। 20 जनवरी 1951 को 81 वर्ष की आयु में ठक्कर बापा का निधन हो गया। इंडिया पोस्ट ने 1969 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। हम इस महान भारतीय देशभक्त को सलाम करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन शोषित वर्ग की सेवा में समर्पित कर दिया। हम 29 नवंबर 1885 को शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक और सुधारक राम सिंह कूका को भी याद करते हैं। कूका आंदोलन के संस्थापक राम सिंह कूका पहले भारतीय थे जिन्होंने असहयोग और ब्रिटिश माल तथा सेवाओं के बहिष्कार का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। राम सिंह का जन्म पंजाब के भैणी में हुआ था।
एक नवयुवक के रूप में वे नामधारी आंदोलन के संस्थापक बालक सिंह के शिष्य बन गए। बालक सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले राम सिंह को नामधारी आंदोलन का नेता नियुक्त किया। वो महान महाराजा रणजीत सिंह की सेना का हिस्सा थे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह ने सिखों को अपना आत्म सम्मान हासिल करने में मदद करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने नामधारियों के बीच नई प्रथाओं की शुरुआत की, जिन्हें कूका कहा जाने लगा, क्योंकि वे ऊंचे स्वर में भजन गाते थे। कूका आंदोलन ने समय के साथ गति पकड़ी और अंग्रेजों ने इस पर हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें कई कूका लड़ाके मारे गए। राम सिंह को रंगून भेज दिया गया और बाद में आजीवन कारावास की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया। 29 नवंबर 1885 को उनका निधन हो गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।